एम्पायर सूटिंग शर्टिंग टाइलरिंग एसेसरी डिजाइनर एंड रेडीमेड शोरूम नियर गांधी चौक लिंगसुगुर रोड रायचूर। नाज़रीन आदाब, ए टी वी उर्दू में आपका खैर मकदम है। आज की अहम खबरें, करोना वायरस के ख़तरा से निपटने लॉकडाउन में सख्ती। करोना वायरस से निपटने के लिए गुज़िश्ता चार दिनों से रियासत भर में एक लॉकडाउन चल रहा है। इतवार को जनता कर्फ्यू के बाद आवाम को उम्मीद थी कि आज कुछ राहत मिलेगी, मगर लॉकडाउन यानी ताकीद की गई। आज लॉकडाउन का सख्ती के साथ नफाज के लिए किए जाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ इकदामात किए। ताकीद के बावजूद दुकानें खुली रखने पर 5 दुकानें सीज की गईं। इसी तरह शाहीन बाग में बल्दिया और पुलिस ने मंडप को हटाने की कार्रवाई की। इस पर मुंतजमीन और कुछ नौजवानों ने एहतजाज किया। मुंतजमीन ने कहा, शाहीन बाग का मंडप शामियाना स्टेज हटाया जा रहा है। हम जिला इंतजामिया से अपील करते हैं कि बगैर नोटिस ना हटाया जाए, बल्कि नोटिस देकर हटाया जाए, ताकि हम इस नोटिस के जरिए अदालत में जाकर फिर वापस शाहीन बाग आबाद कर सके। होनेज, इस तरह आज तमाम रायचूर शहर रायचूर के मसाजिद के तमाम इंतजामी कमेटी और हुफाज़ इकराम को ज़िला एसपी दफ्तर में एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें यह फैसला किया गया कि 30 मार्च तक मसाजिद में 5 वक्त की नमाजें तो ज़रूर अदा की जाएंगी, मगर सिर्फ 4 या 5 नमाजी ही जमा हो सकेंगे। बकिया अफराद अपने अपने मकानों में नमाज अदा करने की ताकीद की गई। निकालना शुरू करें, उनके पास हम लेटर दें तो हम लोग उनसे ये डिमांड करें कि आप लोग एक नोटिस दीजिए, हम आगे कोर्ट को जाकर फिर परमिशन लेकर इंशाल्लाह फिर बैठेंगे हम लोग। बीमारी के वजह से 144 लगाया गया कोरोना वायरस के वजह से, और हमारे जहाँ पर इस्लामिक हुकूमत है वहाँ पर भी जो है ना नमाजों को पाबंदी की गई है, वो रेफरेंस भी चला है, मगर हम लोग हमारे एसपी साहब से बात कर अजान और नमाज लिमिट लोगों के साथ हम कायम कर लिए हैं। उन्होंने हमारा साथ दिया है, हम लोग भी चाहिए उनका साथ देना है। हम आगे और इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में इसका प्रोटेस्ट करेंगे, इसकी मुखालिफत करेंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जज्बात से काम ना ले, आप जज्बात से काम ना ले, हुकूमत का साथ दे, बीमारी की वजह से लड़ना है, हम लोग ऐसा ग्रुप नहीं करना चाहिए। एक्चुअली फिर भी हम पुलिस वालों को ये जो सबर और तहमुल से काम ले रहे हैं उनको शुक्रिया अदा करते हैं, और हम लोग अब हमारी गुजारिश आप मानते हुए ये काम करिए कि आप लोग अपने अपने घरों को चले जाइए। इंशाल्लाह उल अजीज बहुत जल्दी शायद छोटे